माई बैंक अकाउंट बाई स्टीफन ली कॉक चैप्टर फ़ोर फॉर क्लास फर्स्ट ईयर ऑल फैकल्टीज रीडिंग एंड एक्सप्लेशन इन उर्दू एंड हिंदी विकैमलरी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर कोसच्चन बाई प्रोफेसर शाह यूसफ़ बिस्मिल रबी यासर बलातवर ब रब तम बिल्कर बसमान रहीम आज हम पढ़ेंगे चैप्टर माई बैंक अकाउंट माई बैंक अकाउंट जो है वो एक स्टोरी है और ऑटोबायोग्राफिकल वे में लिखी गई है यानी कि खुद नविश के तौर पर लिखी गई है राइटर ने इसको ऐसे लिखा है जैसे कि तमाम वारदात जो उन्होंने लिखी है जो कहानी उन्होंने लिखी है उनकी अपनी ज़ाती हो और उनकी अपनी ज़िंदगी में ये वाक़ पेश आया हो जबकि ऐसा हरगिज़ भी नहीं है क्योंकि स्टीफन लिकॉक एक प्रोफेसर हैं और हम ये तो नहीं रखते किसी प्रोफेसर से कि वो इस तरह के मामला में इस तरह से उसके जो है इस तरह के तजुर्बा उसे होंगे अगर वो कहीं बैंक में जाएगा अपना अकाउंट खुलवाने के लिए लेकिन ज़ाहिर के अमूमन लोग इस तरह के तजुर्बा से गुज़रते हैं और ये सब कुछ उनके साथ होता है तो लिहाजा उन्होंने उसको अपने ऊपर तारी करके लिखा है और एक ऑटोबायोग्राफिकल वे में इस कहानी को लिखा है ताकि पढ़ने वाले को भी मज़ा आए और उसे अच्छा लगे और एक ज़माने में ये एक ट्रेंड भी था कि जो स्टोरीज़ लिखी जाती थी वो ऑटोबायोग्राफिकल वे में लिखी जाती थी ऐसे लगता जैसे लगता था कि जैसे कि राइटर जो है वह खुद इन तमाम चीज़ों से गुजर रहा है और अपनी ही सवान हयात जो है वो लिख रहा है तो आइए हम बाई बैंक अकाउंट को पढ़ते हैं कि जिसमें कि पहले ही आप देख लीजिएगा कि जो उसका टाइटल है इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कुछ अकाउंट्स के मुतालिक है और बैंक अकाउंट है तो इसका मतलब है कि बैंक में अकाउंट के मुतालिक होगी यानी कि ये जो स्टोरी है इसमें आपको बताया जा रहा है कि जब कोई शख्स पहली बार बैंक में अपना अकाउंट खोलने के लिए जाता है तो उसके तासुर क्या होते हैं वो किस तरह से फ़ील करता है और उसको क्या एक्सपीरियंसिस वहाँ पर होते हैं अमूमन लिहाजा मुख्तसरा ये है कि ये स्टोरी जो है ये बैंक में अकाउंट खोलने से मुत्ल हैं अब आइए इसको हम पढ़ते हैं इसको रीडिंग करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं राइटर लिखता है वन आई गो इ टू अ बैंक आई गेट फ्राइटेंट जब मैं जाता हूँ बैंक में तो मैं खौफजदा हो जाता हूँ द कलर्कस फ्राइटिन मी वहाँ पर जो क्लर्क मौजूद होते हैं वो भी मुझे खौफजदा कर देते हैं द डेक्स फ्राइटिन मी हती कि वहाँ के रखी हुई डेक्स जो हैं वो भी मुझे खौफजदा कर देती हैं साइट ऑफ़ द मनी फ्राइटेंस मी और वहाँ जो रुपया पैसा रखा होता है वो देख कर भी मैं खौफजदा हो जाता हूँ एवरी थिंग फ्राइटेंस मी हर चीज़ मुझे खौफज़दा कर देती है ये राइटर्स ने अपनी फीलिंग के बारे में लिखा है वरना आमून अगर हम ये देखें तो हमें ऐसा महसूस होगा कि शायद बहुत सारा पैसा देख हम बहुत खुश हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है जब आप बैंक में जाते हैं अगर आप पहली मरतबा जा रहे हो आपके एक्सपीरियंस में नहीं हो तो बहुत से लोग जो है उन तमाम चीज़ों से ख्वाफज़दा भी हो जाते हैं तो लिहाजा वो अपना एक्सपीरियंस लिखता है कि मैं जब बैंक में जाता हूँ तो मैं जाते ही ख्वाफज़दा हो जाता हूँ बैंक की इमारत ही मुझे ट्रांस मुझे खौफजुदा कर देती है फिर वहाँ के क्लर्क उनको देख के मुझे खौफ़ आता है फिर वहाँ पर जो हत्या के फ़र्नीचर रखा हुआ जो डेक्सेस है उससे भी मैं खौफ़दा हो जाता हूँ और जो वहाँ पैसा रखा होता है मैं उससे भी खौफज़दा हो जाता हूँ गर्स के हर वो चीज़ जो बैंक के अंदर मौजूद होती है बैंक की इमारत में मौजूद होती है वो मुझे खौफज़दा कर देती है द मोमेंट आई पास थ्रू द डोरस ऑफ अ बैंक एन अटेम्प्टू डू बिजनेस दे आई बिकम एन इस्पांसिबल फूल जिस लम्हे मैं बैंक में दाखिल होता हूँ दरवाज़े से अंदर दाखिल होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वहाँ कोई बिजनेस कोई काम करूँ जिस काम से ले के लिए मैं गया हूँ वह काम अपना वहाँ करवाने की कोशिश करूँ आई बिकम एन इ रिस्पॉन्सिबल मैं एक ऐसा गैर जिम्मेदार बेवकूफ़ सा शख्स जो है वो बन जाता हूँ जैसे जैसे कुछ काम ना आता हो आई न्यू दिस बिफोर बट माई सैलरी हैड बीन रेज्ड to fifty dollars a month and I felt that the bank was the only place for it इट मुझे ये बात पहले से पता थी कि मेरे ये ऐसा साथ हो जाते हैं मुझे चीज़ें वहाँ खौफजदा करती हैं लेकिन मैं क्या करूँ मेरी सैलरी जो है वो बढ़ गई थी फिफ्टी डॉलर्स पर मंथ के हिसाब से और मुझे ऐसा लगता था कि बैंक ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसको रखा जा सकता है यानी जहाँ जमा करवाया जा सकता है सो आई वॉक अनस्टीडली इन एंड लुकड अराउंड लुक राउंड एट द कलर्कस विथ फ़ियर लिहाजा मैं अनस्टिडली लड़कड़ाता हुआ जो साबित कदमी के साथ नहीं गया बल्कि लड़कड़ाता हुआ सा जो है मैं दाखिल हुआ बैंक में और फिर मैंने अपने चारों तरफ क्लर्कस को देखा खौफज़दा हालत में यानी कि मैं बहुत खौफज़दा था उनको खौफ से मैंने उन्हें देखा आई हैड एन आइडिया देट अ पर्सन हु वॉज अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नेसेसरली कंसल्ट अब मेरे जहन में यह ख्याल आया कि वो शख्स जिसको कि अपना अकाउंट खुलवाना होता है उसको जरूर जो है वो मैनेजर से जाके मिलना चाहिए है या उसको मिलना होता है सो आई वॉक अनस्टेडली इन एंड लुक्ड राउंड एट द क्लर्क विथ फीयर आई हैड एन आइडिया दैट अ पर्सन हु वॉज अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नेसेसरली कंसल्ट द मैनेजर आई वेंट अप टू अ प्लेस मार्क्ड अकाउंटेंट अब मैं गया एक जगह पर जहाँ पर लिखा हुआ था अकाउंटेंट द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डैवल द वे साइड ऑफ हिम फ्राइटिन मी माई वॉइस साउंडेड एज सिफ इट केम फ्राम द ग्रेप अब ये देखें कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपने खौफ को लिखा है कि जहाँ अकाउंटेंट लिखा था मैं वहाँ गया और जब मैं वहाँ गया और मैंने उसको देखा तो वह एक लंबा सा और कूल डैवल यानी एक सर्द मुहर सा आदमी था और उसको देखते हुए मुझे फिर खौफ महसूस हुआ और ऐसा लगा जब मैं उससे बात कर रहा था कि जैसे मेरी आवाज़ किसी कब्र में से निकल कर आ रही होता है ना जब हम ख्वासदा खुआफ़दा हो जाते हैं तो अंदर से आवाज़ बड़ी बारीक सी निकलती है जैसे कहीं दूर कहीं से निकल रही हूँ तो लिहाजा वो इसको ऐसे के लिख रहा है कि जैसे कि कब्र में से मेरी आवाज़ निकल रही हूँ और उसने क्या कहा पूछा लाइटर ने क्या पूछा कैन आई सी द मैनेजर क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ आई सेट एंड एडिट सोलमली अलोन आई डोंट नो वाई आई सेट अलोन वही कहते हैं मैंने उसको कहा कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ बड़े इतमान से फिर उसके बाद कहा अकेले में अब मुझे ये खुद समझ नहीं आ रहा कि मैंने अकेले में क्यों कहा अब ये देखिए ये कैसी बात है ना अगर हम किसी से कहते हैं कि भाई आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं तो खुद ब खुद ही वो शख्स सोचता है कि शायद कोई बहुत ही अहम बात होगी कोई रास की बात होगी जो सब लोगों के दरमियान में नहीं कही जा सकती तो लिहाजा ये अलोन वर्ड जो है ये इस इस एक वर्ड ने आगे जाकर राइटर के लिए बड़ी परेशानियाँ खड़ी की सर्टनली सर्ट द अकाउंटेंट एंड ब्रॉटिम ने कहा जी बिल्कुल और फिर उन्हें लेकर गया द मैनेजर वॉज़ अ काम सीरियस मैन अब मैनेजर जो था वो एक पुरसकून सा संदीदा सा आदमी था आई हेल्ड माई फिफ्टी डॉलर प्रेस टुगेदर इन अ बॉल इन माई पॉकेट और मैंने अपने वो जो पचास डॉलर थे वो मैंने एक बॉल की सूरत में अपने हाथ में पकड़े हुए थे मतलब जो जेब में हाथ डाला हुआ था और जेब के अंदर उनको पकड़ा हुआ था आर यू द मैनेजर अब मैंने उससे पूछा क्या आप मैनेजर हैं आई से गॉड नोस आई डिड नोट डाउट इट

वो अच्छी तरह से अपने हाथों में पकड़े हुए थे मुट्ठी में पकड़े हुए थे अपनी पॉकेट में जेब में हाथ डाला हुआ था और जेब के अंदर जो पैसे थे उनको उन्होंने एक रोल सा गोल सा बॉल सी बनाकर उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ था आर यू द मैनेजर आई सेड गॉड नोस आई डिड नॉट डाउट इट दैम मुझे मैंने उससे कहा क्या तुम मैनेजर हो और फिर मैंने उससे कहा और ये सवाल जब मैंने पूछा तो अल्लाह बेहतर जानता है कि मुझे बिल्कुल भी शक नहीं था कि ये मैनेजर नहीं अब जाहिर है कि पहले अकाउंटेंट से कहा है क्या मुझे मैनेजर के पास ले जाइए अब वो ले जाकर एक शख्स से मिलाता है तो ऑब्वियसली वो अकाउंटेंट जो है आपको मैनेजर के पास ही लेके जाएगा ना तो लिहाजा ये सवाल पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है मगर चूंकि वो खौफजदा हैं लिहाजा उन्होंने एक अननेसेसरी सवाल पूछा यस ही सेट मैनेजर ने जवाब दिया जी कैन आई सी यू क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ आई आस्क अ लोन आई डिड नॉट वॉन्ट टू से अ लोन अगेन बट विदाउट दिस वर्ड द क्वेश्चन सीम्ड यूजलेस ओके okay. अब यहाँ देखिए कि वो कहते हैं कि उससे पूछते हैं क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ अब ये सवाल भी आप देखिए कि एक शख्स आपके सामने खड़ा हुआ है आप उससे मिल रहे हैं और आप उससे कहते हैं क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ तो जाहिर है कि अब मैं आपसे मिल सकता हूँ को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए क्या कहना पड़ेगा, पड़ेगा वजाहत के लिए कि मैंने ये सवाल क्यों किया तो इसलिए कि मैं अकेले में मिलना चाहता हूँ तब दोबारा से ये कहते हैं कि मैं ये दोबारा लफ्ज़ दोबारा नहीं कहना चाहता था मगर मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये सवाल कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ जबकि आप मेरे सामने ही खड़े हुए हैं कहना कुछ मुनासिब नहीं है और बेहतर होगा कि मुझे ये लफ्ज़ ज़रूर कहना चाहिए द मैनेजर लुक एट मी विद सम एग्जाइटी ही फेल्ट दैट आई हैड अ टेरिबल सीक्रेट टू टेल और ज़ाहिर है कि जब यह कहा कि मैं अकेले में आपसे मिलना चाहता हूँ तो मैनेजर ने थोड़ा सा ज़रा परेशानी से मेरी तरफ़ देखा और फिर उसे लगा कि यकीनन कोई बहुत ही खतरनाक सा कोई मुश्किल सा कोई परेशान कौन सा जो है वो सीक्रेट है कोई राज है जो कि मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कम इन हीयर ही सेट एंड लेट द वे टू अ प्राइवेट रूम उसने कहा ठीक है यहाँ आइए और मुझे एक प्राइवेट रूम की तरफ ले गया ही टर्न द की इन द लॉक और उसने लॉक भी लगा दिया यानी चाबी घुमाई और लॉक कर दिया कमरे को वी आर सेफ फ्रामपन हीयर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इंटरप्शन से यानी किसी भी तरह के मुदाखलत से बिल्कुल महफूज हैं ही सैट से उसने कहा बैठ जाइए वी बोथ सैट डाउन हम दोनों बैठ गए एंड लुक एट ही चदर और एक दूसरे की तरफ देखने लगे आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक अब मेरे गले में कोई आवाज़ ही नहीं थी कि मैं बात करता यू आर वन ऑफ पिकर्टन्स डिटेक्टिव अब यकीन पिकर्टन्स के कोई डिटेक्टिव हैं आई एफ सपोज ही सैट आई आई सपोज ही सैड यानी मैनेजर ने कहा कि मुझे लगता है कि आप शायद पिकेंटन्स कंपनी है कोई जो कि डिटेक्टिव की होगी उसका उन्होंने नाम लिया और कहा कि मुझे लगता है कि आप वहाँ के कोई जासूस हैं मई मिस्टीरियस मैनर हैड मेड हिम थिंक दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव अब जो मेरे मिस्टीरियस मैनर्स है जो अजीब गरीब तरीके से मैं बात कर रहा था और आया था और मिल रहा था तो इस तमाम चीज़ों से जो है उस बेचारे मैनेजर को ऐसा लगा कि शायद ये कोई जासूस है और कोई अहम बात बताने के लिए आए हैं आई न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग मैं समझ गया कि ये क्या सोच रहे हैं एंड इट मेड मी वर्स और इससे मुझे और ज़्यादा मैं परेशान हो गया नो नॉट फ्रॉम पिकंडन आई से नहीं पिकंडन से नहीं आई सेट सीमिंग टू मीन दैट आई बस फ्रॉम अ राइवल एजेंसी अब जब कोई ऐसा कहेगा कि नहीं नहीं वहाँ से तो नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ किसी दूसरी जगह से आपका ताल्लुक है तो लिहाजा ऐसा लग रहा था कि जैसे पिकंडन से तो ताल्लुक नहीं है लेकिन शायद उसकी राइवल एजेंसी यानी उसकी दुश्मन एजेंसी जो है उससे मेरा ताल्लुक है टू टेल द ट्रूथ अगर मैं आपको सच बताऊं, आई वेंट ऑन टू टेल द ट्रूथ मैं आपको सच बताऊं, आई वेंट ऑन मैंने कहना शुरू किया एज इफ समन हैड अर्ज मी टू टेल लाइव अबाउट इट जैसे कि किसी ने मुझे इस बात पर मजबूर किया हो पहले कि नहीं आपने वहाँ लेके झूठ बोलना है लेकिन जब मैं वहाँ पर तो मैंने कहा नहीं मैं झूठ नहीं, नहीं, नहीं बोलूँगा, मैं आपको सच बताता हूँ अक्सर ऐसा होता है ना लोग कहते हैं जी हम आपको सच बताते हैं हालांकि क्या आप इससे पहले झूठ बता रहे थे पहले भी तो आप सच ही बता रहे होंगे ना मगर ये एक कहने का तरीका भी होता है सो so, लिहाजा उन्होंने यही कहा कि मैंने ऐसे कहा कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको सच बताता हूँ जैसे इससे मुझे किसी ने कहा हो कि नहीं वहाँ जाके झूठ बोलना सो आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल तो मैंने क्या कहा कि मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं तो डिटेक्टिव हूँ ही नहीं आई हैव कम ओपिनियन अकाउंट आई हैव कम टू ओपिनियन अकाउंट मैं तो यहाँ एक अकाउंट खोलने आया हूँ आई इंटेंट टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक मैं अपने सब पैसे सारे पैसे इस बैंक में जमा करवाना चाहता हूँ द मैनेजर लुकड रिलीफ बट स्टिल सीरियस अब मैनेजर कुछ पुरसकून सा लगा क्योंकि वो जो डिटेक्टिव का सुन के परेशान हो गया था तो अब ये सोच करके भाई ये तो बहुत बड़ा सा कोई अकाउंट हमारे यहाँ खुलवाने के लिए आए हैं तो ये तो सुकून की बात है लेकिन वो संजीदगी उसने कहा ही फेल्ट ही फेल्ट श्योर नाउ डेट आई वॉज अ वेरी रिच मैन अब उसको पूरा यकीन हो गया था मैं यकीन एक बहुत अमीर आदमी हूँ पर हीप्स सन ऑफ बैरन रॉस और हो सकता है कि मैं बैरन रॉस जो उस जमाने में बहुत अमीर आदमी था मैं शायद उसका बेटा हूँ अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सेट अब मैनेजर ने कहा एक बहुत बड़ा अकाउंट मेरा ख्याल है फेयरली लार्ज आई विस्पर्ड बहुत बड़ा आई इंटेंट टू प्लेस इन दिस बैंक द सम ऑफ फिफ्टी सिक्स डॉलर्स नाउ एंड फिफ्टी डॉलर्स मंथ रेगुलरली बहुत बड़ा अकाउंट खोलना चाहता हूँ मैंने एक सरगोशी की और मेरा इरादा है आई इंटेंट टू मेरा इरादा है कि मैं इसमें अभी फिफ्टी सिक्स डॉलर्स जमा करवाऊँ और फिर फिफ्टी डॉलर्स हर महीने जमा करवाता रहूँ द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर मैनेजर खड़ा हो गया और उसने दरवाज़ा खोला ही कॉल टू द अकाउंटेंट और उसने अकाउंटेंट को आवाज़ दी मिस्टर मॉट गॉमरी ही सेट अनकाइंडली लाउड और उन्होंने जरा सा ऊँची आवाज़ में कहा और उस आवाज़ भी क्या थी इसमें कि कोई काइंडनेस नहीं थी हम्बलनेस नहीं थी बल्कि जरा सख्त लहजे में कहा दिस जेंटल मैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट ये जेंटल मैन ये साहब एक अकाउंट खोल रहे हैं ही विल प्लेस फिफ्टी सिक्स डॉलर फिफ्टी सिक्स डॉलर जमा करवाएंगे गुड मॉर्निंग और अब फिर उसने कहा गुड मॉर्निंग यानी इसका मतलब क्या हुआ अब आप चले जाइए आपका काम हो गया आई स्टूड अब मैं खड़ा हो गया अग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम और रूम के साइड पर एक बड़ा सलोहे का दरवाजा खुला हुआ था गुड मॉर्निंग आई सेट एंड वॉक इन टू द सेफ मैंने गुड मॉर्निंग कहा और मैं सेफ़ में दाखिल हो गया जो हूँ मैंने अगर आप में से कोई बैंक गया होगा आप लोगों ने यकीन बहुत सारे लोग गए होंगे जो नहीं गए होंगे उनके लिए नई बातें लेकिन जो गए हैं उन्होंने देखा होगा कि एक लॉकर्स का एक रूम होता है और उस रूम पर जो है वो बड़ा सा लॉक दरवाज़ा एक लॉक लगा हुआ होता है और सेफ सेफ़ी सेफ लगा हुआ होता है अब ये साहब ये समझे कि शायद यहाँ जाना है तो उसमें जाने लगे कम आउट सेट द मैनेजर कोडली अब मैनेजर ने कहा बाहर आइए एंड शोड मी द अदर वे और मुझे दूसरा रास्ता बताया आई वेंट अप टू द अकाउंट्स पोजिशन अकाउंटेंट्स पोजिशन एंड पुश द बॉल ऑफ मनी एट हिम विद अ क्विक सडन मोमेंट एज इफ आई वर डूइंग अ सॉट ऑफ ट्रिक मैं जब मैनेजर के अकाउंटेंट के पास गया तो मैंने वो बॉल जो हाथ में पकड़ी हुई थी वो फ़ौर उसके सामने पैसे इस तरह से डाल पेंक दिए अचानक सडनली अचानक ही जैसे कि मैं कोई ट्रिक दिखा रहा हूँ कोई जादू दिखा रहा हूँ माई फेस वॉश टेरीबली पेल मेरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था हेयर आई सेट ये रहे पुट इट इन माई अकाउंट इन्हें मेरे अकाउंट में डाल दीजिए द साउंड ऑफ माई वॉइस सीम टू मीन लेट एस डू दिस पेनफुल थिंग वाई वी फील दैट वी वॉन्ट टू डू इट तो ऐसा लगा कि जैसे मैं उससे ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो मुश्किल दर्दनाक काम है पैसे जमा करने का प्लीज़ आप इसको जल्दी से कर दीजिए ही टुक द मनी गेप है नर कलर उसने पैसे लिए और एक और क्लर्क को दे दिए ही मेड मी राइट द सम ऑन अ बिट ऑफ पेपर एंड साइन माई साइन माई नेम इन अ बुक उसने एक पेपर मुझे दिया और साइन किया मेरा नाम उस पर इन और मुझे एक साइन करने को कहा एक बुक में सॉरी ही मेड मी राइट द सम ऑन अ बिट ऑफ पेपर एक पेपर पे मुझे अमाउंट uh, लिखने के लिए कहा और साइन के लिए साइन माई नेम इन अ बुक और मेरा नाम जो साइन है वो एक बुक में किए आई नो लॉन्गर न्यू वाट आई वॉज डूइंग मुझे बिल्कुल नहीं पता लग रहा था मैं क्या कर रहा हूँ द बैंक सीम टू स्विम बिफोर माई आइज़ ऐसा लग रहा था कि बैंक जो है वो मेरी आँखों के सामने तैर रहा है ये होता है ना जब हम बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाते हैं या बहुत परेशान होते हैं तो या तो ऐसा ऐसा लगता है जैसे कि सारी दुनिया हमारे आगे हमारी आंखों के आगे घूम रही हो तो या सर चक्रार हो तो यही कुछ हालत उसकी भी थी इस द अकाउंट और फिर मैंने उससे पूछा क्या ये अकाउंट में आ गए हैं आई आस् इन अ हॉलो शेकिंग वाइज मैंने एक बहुत ही खाली सी कप कपाती हुई सी आवाज में मैंने उससे ये बात पूछी इट इज़ से अकाउंटेंट हाँ देन आई वॉन्ट टू ड्रा अ चेक अब मैंने कहा अच्छा तो फिर मैं अब एक चेक ड्रॉ करना चाहता हूँ यानी अभी मैंने पैसे जमा करवाएं अब मैं पैसे निकलवाना चाहता हूँ माई आइडिया माई आइडिया वॉज टू ड्रा आउट सिक्स डॉर्स ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज़ सम वन गिव मी अ चेक बुक एंड सम वन एल्स बी गेन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट किसी ने मुझे चेक बुक दी मेरा आइडिया ये था पहले ही बात ये वाली है कि माई आइडिया बस मेरा आइडिया ये था कि मैं इसमें से छः डॉलर निकलवा लूँगा अभी अपने इस्तेमाल के लिए और फिर ये हुआ कि किसी ने मुझे चेक बुक दी और किसी ने मुझे बताया कि किस तरीके से चेक बुक को लिखा जाता है अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे भी एक बेवकूफ़ी नज़र आ रही है कि जब आपको पता था कि छः डॉलर आपने अपने अपने लिए रखने हैं तो आप पहले ही फिफ्टी डॉलर जो है वो जमा करवाते हैं फिफ्टी सिक्स डॉलर जमा करवाने की क्या ज़रूरत थी लेकिन वो यही कि परेशान होने की वजह से समझ नहीं आया कि क्या किया जाना चाहिए है द पीपल इन द बैंक सीम टू थिंक दैट आई वॉज अ मैन हु ओन मिलियंस ऑफ डॉलर अब बैंक के लोग समझ रहे थे कि मैं ऐसा आदमी हूँ जिसके पास मिलियंस ऑफ लाखों डॉलर्स हैं बट वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल लेकिन मैं सही महसूस नहीं कर रहा हूँ आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड पुश इट टूवर्ड्स द क्लर्क मैंने कुछ चेक पे लिखा और उसको चेकबुक को क्लर्क की तरफ धक्का दिया हे लो क्रेडिट उसने उस तरफ देखा वॉट आर यू ड्राॅइंग इट ऑल आउट अगेन क्या आप सारे पैसे निकलवा रहे हैं ही इन अ सरप्राइज उसने हैरत से पूछा अब जाहिर है कि अब यहाँ देखिए जो ऊपर ये कह रहा ना कि लोग बैंक वाले ये समझ रहे थे कि मैं जो हूँ वो बहुत ही अमीर आदमी हूँ बहुत सारे पैसे ये भी राइटर का अपना ख्याल है कि वो ऐसा समझ रहा है जैसा बास्कत होता है ना हम पे जाते हैं और हमें समझ रहे होते हैं कि नहीं लोग हमें बड़ा अच्छा समझ रहे हैं इस वजह से हमें देख रहे हैं हालांकि वो बास्कत हमें हमारी बेवकूफ़ी की वजह से देख रहे होते हैं तो यही सूरत यहाँ पर भी है तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने फिफ्टी सिक्स डॉलर लिख दिया है सिक्स के बजाय आई वॉज टू अपसेट टू रीजन नाउ अब मैं इतना अपसेट था इतना परेशान था कि मैं नहीं बता सकता था कि ऐसा क्यों हुआ आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इस बात की वजाहत करना नामुमकिन है ऑल द क्लर्क स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी अब सारे क्लर्क होते हैं जब उन्होंने ये सुना कि फिफ्टी सिक्स डॉलर अभी जमा करवाए हैं और अभी फिफ्टी सिक्स डॉलर सारे निकलवा रहे हैं तो वो बेचारे जो हैं सारे के सारे अपना काम छोड़कर उन्हें देखने लगे बोल्ड एंड केयरलेस इन माई मिजरी आई मेड अ डिसीजन अब उस वक्त बहुत बोल्ड होकर और बहुत केयरलेस होकर जैसे मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहा हूँ इस वक्त जो भी मेरी हालत है मैंने एक फैसला किया यस द होल थिंग हाँ सब कुछ यू विश टू ड्रॉ योर मनी आउट ऑफ द बैंक क्या आप सारे पैसे आप चाहते हैं कि आप अपने सारे पैसे बैंक से निकलवा लें एवरी सेंट ऑफ इट एवरीसेंट जैसा हम कहेंगे एक एक पाई आर यू नॉट गोइंग टू पुट एनी मोर इन द अकाउंट क्या आप और मजीद बनी अकाउंट में नहीं जमा करवा करवाना चाहते हैं सेट द क्लर्क एस्टोनिश्ड हैरान होकर उसने पूछा क्या आप नहीं करवा रेंगे आप नहीं करवाएंगे नव कभी नहीं अ फुल होप केम टू मी दैट दे माई थिंक सम वन हैड इंसल्टेड मी वाई लाइफ वॉज राइटिंग द चेक एंड दैट आई हैड चेंज माई माइंड और एक बहुत ही बेवकूफ़ाना ख्याल मेरे जहन में आया कि यकीन लोग ये लोगे सोचेंगे कि हो सकता है किसी ने जब मैं चेक लिख रहा था तो मुझे मेरी बेज़ती की है और अब मुझे गु़स्सा आ गया है लिहाजा अब मैं अपने मैंने अपना दिमाग बदल लिया है या मैंने अपना इरादा बदल लिया है अब इस बैंक में अपने पैसे नहीं जमा करवाने वाला आई मेड अ मिजरेबल अ टू लुक लाइक अ मैन विद अ फीयफुल क्विक टैम और मैंने एक बहुत ही Uh, कोशिश की उस वक्त बहुत ही बुरी हालत में अपनी मजलबल हालत में ये कोशिश की कि मैं लोगों को ऐसा लगूँ कि जैसे मैं बहुत ही क्विक टेम्पर पर्सन हूँ जैसे बहुत जल्दी गु़स्सा आ जाता है ज़रा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है तो लिहाजा अभी भी मुझे गु़स्सा आया हुआ है और अब मैं अपने पैसे यहाँ जमा करवाना नहीं चाहता द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी क्लर्क ने पैसे देने की तैयारी की हाउ विल यू हैव इट ही सेट आप ये कैसे लेंगे वॉट क्या यानी जैसे ये एक सवाल है ना आप ये कैसे लेंगे कैसे लेंगे का क्या मतलब है डायरेक्ट अगर कॉमनली आपसे पूछा जाएगा कि आप पैसे कैसे लेंगे तो आप कहेंगे भाई हाथ में लेंगे तो ये नहीं है जब आप बैंक जाते हैं तो अगर बैंक में आपसे कोई पूछता है कि आप पैसे कैसे लेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि आप किस तरह के नोट्स लेना चाहते हैं आप थाउजेंड्स के नोट्स में लेना चाहते हैं फाइव हंड्रेड के नोट्स में लेना चाहते हैं हंड्रेड के नोट्स में लेना चाहते हैं या उससे छोटे नोट्स में लेना चाहते हैं तो लिहाजा भाई इन्होंने पूछा है कि वो जब इसकी समझ में नहीं आए उसका वाट हाउ विल यू हैव इट ओह अब इन्होंने कहा अच्छा अच्छा ओह आई अंडरस्टूड हिज मीनिंग मुझे इसके बाद समझ में आ गई एंड आंसर विदाउट इविन ट्राइंग टू थिंक और बग़ैर सोचे समझे मैंने कहा इन फ़िफ्टी डॉलर नोट्स मैं फिफ्टी डॉलर नोट में लेना चाहूँगा ही गेव मी आ फिफ्टी डॉलर नोट एंड सिक्स ही आग कोड लिख प्रश्न और संजीदगी से सर मोरी से पूछा और छ इन सिक्स डॉलर्स नोट छः डॉलर का नोट लूंगा ही गेव मी आ सिक्स डॉलर ही गेव मी सिक्स डॉलर्स एंड लाइक रॉलर उसने मुझे छः डॉलर दिए और मैं बाहर निकल आया अच्छा इन सिक्स डॉलर नोट्स डॉलर नोट्स यानी कि छः डॉलर के नोट्स में एंड एज द बिग डोर अब जब वो दरवाजे से बाहर निकला एज द बिग डोर स्वैंग बिहाइंड मी और जैसे ही वो दरवाज़ा मेरे पीछे बंद हुआ आई हर्ड द साउंड ऑफ रोर ऑफ लाफ्टर दैट वेंट अप टू द रूफ ऑफ द बैंक और मैंने एक बहुत ज़ोरदार कह की आवाज़ सुनी जो कि बैंक की छत तक पहुँच रहा था सिंस देन आई यूज़ अ बैंक नो मोर उस वक्त से बाद से अब तक मैं बैंक इस्तेमाल नहीं करता यानी मैं बैंक नहीं जाता मैं अपने पैसे बैंक में जमा नहीं कराता आई कीप माई मनी इन माई पॉकेट मैं अपनी पॉकेट में अपने पैसे रखता हूँ इन माई सेविंग्स इन माई इन सिल्वर डॉलर्स इन आ अपने पैसे जो हैं जो मेरी सेविंग्स होती है जो मेरी बचत होती है वो मैं अपने डॉलर्स जो हैं वो मैं अपने मोज़े में रखता हूँ एक ज़माने में ये तरीका कार लोगों का होता था तकिए के नीचे या मोज़े में जो है वो पैसे रखा करते थे तो लिहाज़ा उसने कहा कि मेरे लिए भी यही बेहतर तरीक़ा है बजाय इसके कि मैं बैंक जाऊँ तो ये स्टीफ़न लीकॉक की लिखी हुई स्टोरी है इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए ये एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये स्टोरी पसंद आई होगी और बहुत सारे लोग आप में से जो हैं यकीन ये भी महसूस करेंगे कि शायद ये स्टोरी जो है वो उनकी अपनी ही है उन्हें भी बैंक जाकर ऐसा ही महसूस होता हो खासकर पहली बार जाने में और अगर कोई बहुत बड़े से बैंक में आप जाते हैं जो ज़रा बड़ी इमारत में होता है तो अमूमन ये होता है कि जाने के बाद आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि किस तरफ़ जाना है क्या करना है किससे मिलना है किस काम के लिए क्या करना है बजाय इसके कि आप ये सोचें कि हाँ रिसेप्शन डेस्क पर जाएँ और ये काम करें बहरहाल ये एक अच्छी स्टोरी है और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगती है उम्मीद है कि आपको भी यकीन ये बहुत अच्छी लगेगी इसको दोबारा से ज़रूर दो तीन मरतबा सुनिएगा ताकि आपको इसमें से ख़ास खास बातें जो हैं वो याद हो जाएँ इन नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव्स इसकी वोकेबलरी ऑबजेक्टिवस और इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि अमूा इम्तहान में पूछे जाते हैं वो आप अपलोड कर दी जाएगी इनशाला अभी आप फ़िलहाल इसको दो तीन मरतबा ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको ये याद रहे और इन तब आप एम सी क्यूज़ करने बैठेंगे अपना इम्तहान करने बैठेंगे तो इसकी रीडिंग का सुनना आपके लिए फ़ायदेमंदित होगा इस चैप्टर में जो हमने बहुत सारे डिफ़िकल वर्ड्स तो हैं नहीं कुछ ही हैं ऐसे वर्ड्स कि जिनकी के मीनिंग की आपको ज़रूरत होगी और अगर आप उसको देख लेते हैं उर्दू में और आसान इंग्लिश में भी तो बेहतर ज़्यादातर वर्ड्स तो कॉमन यूज़ वाले ही हैं तो आइए देखते हैं कि इनमें कौन से वर्ड्स हैं जो कि आपको लर्न करने चाहिए नंबर वन पे देखें फ्राइटेंड टू मेक समवन फील फियर अफ्रेड और एंक्शस यानी खौफजदा होना इस्पॉन्सिबल एयरलेस गैर जिम्मेदारी या लापरवाह होना अनस्टेडली अनस्टेबल शेकी गैर मुस्तैकम डगमगाते हुए कंसल्ट सीख इन्फॉर्मेशन और एडवाइस फ्राम सम्पाइशली इन एक्सपर्ट और प्रोफेशनल सलाह मशवरा करना नंबर फाइव कोल डेबल शतानों का सरदार वैसे कोल डेबल यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है इस चैप्टर में वो बेसिकली एक सर्द महर कस्म के शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है सोलमली इन फॉर्मल एंड डिगनीफाइड मैनर पुख्ता तौर पर संजीदगी से पुरमतानत एंग्जाइटी या फीलिंग ऑफ वरी नर्वसनेस अजतराफ़ इंटरप्शन स्टॉप हैपनिंग रुकावट रुकावट डालना या रुकावट हो या रुकावट का होना मिस्टीरियस पजलिंग पुरिसाराइवल अपोनेट हरीफ नंबर टेन है डिटेक्टिव यानी इन्वेस्टिगेटर जासूस अर्श ट्राई अरनेसली और परसिस्टेंटली टू परस्यू समू डू सम किसी पर जोर डालना जोर देना किसी बात पर विस्पर्ट टू स्पीक वेरी क्वाइटली सरगोशी बहुत आहिस् से बात करना पेल फीबल वीक जर्द बेरंग जो चेहरे का रंग पीला पड़ जाना होता है ना उसके लिए भी इस्तेमाल होता है स्विंग सेकेंड फॉर्म है इसकी स्वॉन्ग मूव और कॉज टू मूव बैक एंड फोर्थ फोर्थ और फ्राम साइड टू साइड वाइज सस्पेंडिड और ऑन एन एन एक्सेस यानी झूला जो आपने आम देखा होगा वैसे स्विंग का मतलब झूलना ही होता है चाहे वो कोई भी चीज़ हो हवा में कोई चीज़ एक, तो एक तरफ़ से अटैच हो और बाकी का हिस्सा उसका हवा में लहरा हो तो उसको हम झूलना कह रहे होते हैं क्विक टाइम पर जल्द मिजाज जल्दी मिजाज गर्म मिजाज गर्म दिमाग वाला शख्स हॉट हेटेड शख्स जो बहुत जल्दी गु़स्से में आ जाता हो सेविंग्स बचत मनी डेट नॉट स्पेंड वो पैसे जो कि आपने कहीं खर्च ना किए हुए हों तो ये तो थी आपकी नई बेकेबलरी अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव्स पर पहला हमारा है द ऑथर ऑफ माई बैंक अकाउंट इज़ स्टीफन लीकॉक देखिए जो रियरो कलर में मैंने लिखा हुआ है तो इसको आप समझ लीजिए कि ये आपके ऑब्जेक्टिव का आंसर है वजह इसके के अलग से लिखा जाए एक साथ स्टेटमेंट लिख दी गई है ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे स्टीफन लीकॉक वॉज़ अ प्रोफेसर स्टीफन लीकॉक हैज़ अ बैंक फोबिया जो डर लगता था उनको बैंक में जाने से वो बैंक फोबिया कहलाता है यानी फोबिया मीन्स किसी भी चीज़ से डरना

अकॉर्डिंग टू द ऑथर वॉट इज द इफेक्ट अपॉन हिम ऑफ एंटरिंग अंक टू डू बिजनस ऑथर के मुताबिक बैंक में दाखिल होने पर उन पर क्या असरात होते थे क्या असर होता था तो आंसर है ऑथर गॉड फ्राइडे वन ही बैंक ऑथर ख़्वाफ़जुदा हो जाता था जब वह बैंक में दाखिल होता था एवरी थिंग एंड एवरी पर्सन इन द बैंक फ्राइडेड हिम बैंक की हर चीज़ हर शख्स उन्हें खौफजदा करता था ही हैड बैंक फोबिया तो ये जो खौफ़जदा करने की वजह कहती है कि उन्हें बैंक फोबिया था वाई डिड द ऑथर डिस इन बैंक ऑथर की तनख्वाह में पचास डॉलर पर एक हर महीने का इजाफा हुआ था और वो चाहते थे कि इन पैसे को अकाउंट में जमा करवा दें अपनी सेविंग्स को जो उनकी यानी बचत जो थी उनकी व्हाट वॉज द मैनेजर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर टो डिम दैट ही मैनेजर का रिएक्शन किया था जब ऑथर ने उससे कहा कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ आंसर है मैनेजर दैट द ऑथर वॉज फ्राम अ डिटेक्टिव एजेंसी एंड वॉन्टेड टू टेल अ टेरिबल सीक्रेट अबाउट बैंक मैनेजर ने सोचा कि शायद ऑथर जो है वो एक डिटेक्टिव एजेंसी से है और कोई बहुत ही किस्म का जो राज है वो बैंक के बारे में बताना चाहता है he took him in a separate room and locked the room to avoid interruption. वो ने एक अलहदा कमरे में ले गया और कमरा लॉक भी कर दिया ताकि कोई भी मुदाखलत ना हो कोई इंटरप्शन ना हो क्वेश्चन नंबर फोर है वाई क्वेश्चन नंबर फोर वाई डिज द मैनेजर लुक रिलीव वेन ही न्यू द पर्पज ऑफ ऑथर्स विज इट आंसर ऑन नोइंग द पर्पज ऑफ ऑथर्स विजिट मैनेजर लुक रिलीव बिकॉज द मिस्टीरियस मैनर्स ऑफ ऑथर मेड मैनेजर टू थिंक ही वॉज गोइंग टू टेल अ टेरिबल सीक्रेट अबाउट द बिजनेस ऑफ बैंक फ्रॉम द डिटेक्टिव एजेंसी ये जानकर कि मैनेजर ऑथर uh, जो है वो वहाँ पैसे जमा करवाने के लिए आया है उसका यह मकसद जानने के बाद मैनेजर बहुत पुरसकून नजर आया उसकी वजह यह थी कि जो ऑथर की मिस्टीरियस बैनर्स थे उनकी वजह से मैनेजर ये समझ खतरनाक सा खौफनाक सीक्रेट सा बताने के लिए आया है जो कि बैंक ने डिटेक्टिव एजेंसी जिससे से कंसल्ट किया हुआ था उनकी तरफ से क्वेश्चन नंबर फाइव है वॉट मिस्टेक डिट द ऑथर मेक वैन ही रोड द चेक द ऑथर ने क्या मिस्टेक की थी जब उसने चेक लिखा था आंसर द ऑथर इंटेंडेड टू ड्रॉ सिक्स डॉलर फॉर द प्रेजेंट यूज बट इंस्टेड वॉज द टोटल अमाउंट ही हैड इन हिज अकाउंट ऑथर जो है चाहते थे कि सिक्स डॉलर लिखें लेकिन उन्होंने इसके बजाय फिफ्टी सिक्स लिख दिया और जो कि टोटल अमाउंट उनके बैंक में था उनके अकाउंट में जो टोटल अमाउंट था ज़ाहिर है कि ऐसा अमाउंट लिख देने के बाद तो अकाउंट ही क्लोज हो जाता नंबर सिक्स है वाई वॉज दियर रोर ऑफ लाफ्टर लाफ्टर वैन द ऑथर लेफ्ट बैंक क्यों बहुत ज़ोर से लोग हंसे जब ऑथर ने बैंक छोड़ दिया या बैंक से बाहर आ गए तो आंसर है वैन ऑथर लेफ्ट बैंक आफ्टर ही गॉट इज मनी बैक द स्टाफ एंड कस्टमर्स लाफ लाउडली ऑन द फुलश एंड मिस्टीरियस बिहेवियर ऑफ़ द ऑथर तो ऑथर के बाहर जाने के बाद जबकि वो अपने पैसे लेके बाहर निकल गए तो लोग बहुत ज़ोर से वहाँ हंसे उसकी वजह ये थी कि जो बेवकूफ़ाना और पुरसरार उनका जो रवैया था उसकी वजह से वो लोग बुल उन पर हंसे थे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं उम्मीद है कि ये आपके काम आएँगे इन शम्ताना में आपको इससे फ़ायदा होगा और अगर आपको इससे फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए ज़रूर दुआए खैर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने और सब्सक्राइब्स अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें आ, हमें उम्मीद है कि आपके लिए यकीनन बहुत फ़ायदेमंद रहेगी इन शाला जल्द ही आपको मज़ीद वीडियोज़ भी भेजी जाएँगी अल्लाफ़